नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओपी गुप्ता, प्रो वाइस चांसलर श्रीधर यूनिवर्सिटी ग्रामीण राजस्थान से हूँ। गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। श्रीधर यूनिवर्सिटी सर्व ट्रस्ट जो मेहनत का है उसका इनिशिएटिव है और राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित एक एक्सप्रेस की स्थापना 2010 में हुई। यूनिवर्सिटी यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं 3 घंटे के ड्राइव पे है और कैपिटल जयपुर से भी लगभग 5 दिन। यूनिवर्सिटी अभी केवल अपने इनिशियल स्टेज में है और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक का रिसर्च करवा रही है। इसमें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, लीगल स्टडीज, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इन कोर्सेज में पढ़ाई करना चाहती हूँ। 60 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। अभी कल ही की बात है, नई दिल्ली में श्रीधर यूनिवर्सिटी ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ वाटर कंजर्वेशन पे एमओयू साइन किया है। इसके अलावा पिछले साल यूनिवर्सिटी को द बेस्ट इमर्जिंग डिजिटल यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने दिया है। इसके अलावा पर्सनल मेरी भी एक उपलब्धि रही, इसी महीने में कदम संघर्ष का असर आता है, अच्छे लोग साथ बहुत अच्छी उपलब्धि मिलती है। मुझे 10 बेस्ट प्रोमिसिंग एजुकेशन लीडर ऑफ 2023 का अवार्ड मुझे मिला है। यूनिवर्सिटी पिछले 15 साल लगभग 13 साल से काम कर रही है, काफी से अवार्ड लिए हैं और जो सच्ची प्रोग्रेस समाज सेवा के लिए हमने महसूस की वो पिछले 3 साल से हमने डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी से साथ एमओयू किया है। काफी जीवन रक्षक कोर्स हमने चलाया, इसमें छोटे छोटे कोर्स जिससे आदमी घर बैठे इलाज कर सकते हैं। इसमें हमारा मेजर प्रोग्राम था ईपीएम, इमरजेंसी प्लान मैनेजमेंट। छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उसके लिए लोग पास भागते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उसे जाने जुटने घर बैठे आपको इलाज मिल जाएगा और इतना इजी है, कोई भी उसको समझ सकता है, साथ में दूसरे साथियों पड़ोसी भी मदद कर सकते हैं। इस तरह के कोर्स हम चला रहे हैं जो बिल्कुल खर्चा जिनका जीरो बराबर है, घर में रखी चीज उसे आप इलाज कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने सुनिश्चित किया एक आम जन के लिए काफी टूरिस्टम साबित हो सकता है। इसी क्रम में 2021 में डॉक्टर साहब ने रिसर्च पे प्लान किया कि किडनी के इलाज से पूरा देश में पूरा विश्व प्रसिद्ध है। आज देखें तो ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड किडनी की किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च पे काम शुरू किया, 100 सब्जेक्ट्स और 100 लोगों के उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया। उसके रिजल्ट इतने आश्चर्यजनक थे कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। सर ने जब रिसर्च हमारे सामने रखा, हमने भी क्योंकि अभी तक इसी क्रम में जी रहे थे कि बिना डायलिसिस जब ट्रांसप्लांटेशन की कोई इलाज नहीं हो सकता। काफी गहन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स थे उनको दिया, हमने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जालंधर उनके जो डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट किया। 3 महीने तक हम इस पर देख के रहे कि कैसे उनको फेल किया जाए, पर हमारी कोशिश नाकाम रही और डॉक्टर साहब भी जीत हुई। उन 100 सब्जेक्ट से मैं पर्सनली मिला उसमें एक हॉस्पिटल जरा बस्ते में यहाँ आचार्य मनीष चला रहे हैं, मैंने पर्सनल विजिट किया। जयपुर का सेंटर मैंने पर्सनल विजिट किया, आशा राय मिले उनका सेंटर में विजिट किया, पेशेंट से मिले, सच्चाई सामने। वास्तव में इलाज किया जा सकता है बिना किसी ट्रांसप्लांटेशन के, बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी दवा के। वो इलाज इतना अच्छा और सस्ता जब घर बैठे उसको कर सकते हैं, उसका सही दृश्य आपको देखना है। मैं भूल नहीं सकता 11 सितंबर 2022 की दिन
जिस दिन सीरी फोर्ट स्टेडियम में एक आयोजन किया गया था उस दिन सीरी फोर्ट स्टेडियम छोटा पड़ गया था। इतनी पब्लिक इसको हुई थी, 7 देशों के प्रतिनिधि और पैसेंट जो ठीक हुए इस सिस्टम के द्वारा, ग्रेट सिस्टम जिसको बोला है, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इसमें मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, यूके, यूएस, नेपाल, बांग्लादेश, ये तो 7 विदेशी लोग थे, इंडिया तो अलग रहे। उन सब ने अपने एक्सपीरियंस बताए, अपने अनुभव बताए, छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट से अपना इलाज किया और आज सब अपना सामान्य जीवन जिया। तो उस रिसर्च के बाद हम जब सेटिस्फाई हो गए तो वर्ल्ड की सबसे फेमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांसिस एंड टेलर, जो ऑलमोस्ट 200 सालों से रिसर्च में काम कर रही है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रही है। वहाँ हमने इसको भेजा क्योंकि मेडिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से उनका जनरल पब्लिश होता है, उसमें भी उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब का आर्टिकल पब्लिश किया। उन सबके बारे में इन सबके परिणाम आने के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने डिसीजन किया कि हम डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी को इनकी इस उपलब्धि के लिए श्रीधर विश्वविद्यालय की ऑनरेरी पीएचडी डिग्री अवार्ड देंगे। तो मैं आप सब से डिग्निटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर साहब के डिग्री से सम्मान। अगर आपको डॉक्टर साहब बारे में जानना है तो इनकी वेबसाइट है www.vishwarajchaudhary.com, उसको देखें। 2500 ज्यादा किताबें इनकी इस पर अपलोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सी सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी मिल जाएगा। थैंक यू। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।